नमस्कार साथियों, मैं हूं महेश आहूजा और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर 3.0 सीरीज में। इस एफटीआर सीरीज में भारत के इतिहास का हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। यह भाग 4 होगा और इस भाग में हम गांधीवादी काल के 1930 से 1947 तक की घटनाओं का चर्चा करने वाले हैं और इनसे संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के इतिहास भाग 4 का प्रश्न नंबर 1। देखिए, जो प्रश्न आपको दिख रहा है, इस प्रश्न में पहले तो कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं और व्यक्तियों के साथ उनसे संबंधित आंदोलनों के नाम भी यहां पर लिखे गए हैं, आपको मैच करना है। चलिए इसको कैसे मैच करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये घटनाक्रम जो है अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एग्जाम में आ जाए तो हमको कैसे डील करना है। होम रूल आंदोलन, आप सभी को पता है कि 1916 से 1917 के समय का यह आंदोलन रहा है, जिसको हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, अगर बात करें इन तीनों में से, अगला कांड जो है धर्षणा कांड, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की घटना है, जिसका आपको 1930 वाले ईयर में घटना घटित थी। उसके बाद वैयक्तिक सत्याग्रह जो है ये घटना 1940 की है, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन, यह आंदोलन जो है 1942 में चला था। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इन आंदोलनों को जमाया। अब देखिए, अगर इन व्यक्तित्व से, इन पर्सनालिटी से कंपेयर करें तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो तो सीधा होम रूल आंदोलन से संबंधित है, इनके बारे में हमने चर्चा पहले के वीडियोस में कर रखी। दूसरा, अब मैं आता हूं धर्षणा कांड में, यह एक महत्वपूर्ण कांड हो जाता है धर्षणा कांड, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका संबंध किससे है। देखो, धर्षणा जो है महाराष्ट्र में एक प्लेस है जिसका नाम है धर्षणा, और धर्षणा में एक डिपो है जिसको आप धर्षणा नमक डिपो के नाम से जानते हो। नमक का जिक्र हुआ मतलब यह जो कांड है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यह बात तो क्लियर हो गई। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक के डिपो पर हमला करना था, धर्षणा नमक डिपो पर हमला करना था, यह प्लान था और इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन मई के महीने में, मतलब मई का महीना मतलब रहेगा समझ लीजिए 5 मई 1930 का दिन, 5 मई 1930 का दिन था, गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया था। हालांकि यह आंदोलन तो मार्च में शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 से यह आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन गांधी जी को इतना देरी से गिरफ्तार किया गया क्योंकि शुरू में अंग्रेजों ने तो इसको हल्का लिया, लेकिन बाद में जब गांधी जी के कहे अनुसार लोग जगह जगह कानूनों को तोड़ने लगे, जो असहयोग आंदोलन में नहीं हुआ वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में हो रहा था, तब जाके अंग्रेजों ने इसको सीरियस लिया और इतनी देर से ना, मतलब मई के महीने में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के साथ साथ दूसरे प्रमुख आंदोलनकर्ता भी गिरफ्तार हुए थे, नेता भी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह सभी नेता भी जेल में बंद थे। अब इंपॉर्टेंट लीडर जो है जेल में बंद है, तो अब जो हमारा प्लान है यानी कि धर्षणा नमक डिपो पर हमला करना था, वह प्लान एग्जीक्यूट कौन करेगा। तो यहां पर सामने आती है भारत की बुलबुल, जिसको आप सरोजिनी नायडू के नाम से जानते हो। सरोजिनी नायडू यहां पर लीडरशिप के लिए आगे आती है और इनके साथ जो है, इनके साथ देने के लिए सामने आते हैं इमाम साहब। ध्यान रखना मैं जो नाम लिख रहा हूं यह भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इमाम साहब के साथ, यह एक वृद्ध व्यक्ति थे, काफी वृद्ध व्यक्ति थे इस आंदोलन में। दूसरा, अगर बात करें तो मणिलाल की बात करें तो यह तो गांधी जी के पुत्र ही थे, और साथ में बात करेंगे प्यारे लाल की, यह जो है सचिव थे। इन लोगों ने भी इस धर्षणा कांड में सरोजिनी नायडू का साथ दिया था, तो यह भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। और इनके साथ थे लगभग 2000 से लेकर 2500 स्वयंसेवक सत्याग्रही जो है इनके साथ थे, और हमला बोलना था ना, कहां हमला बोलना था, धर्षणा नमक डिपो में हमला बोलना था। यह सारे लोग धर्षणा नमक डिपो पर हमला बोलते हैं। अब देखिएगा ना, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार पहले से तैयार थी, बैरिकेड्स लगा दी थी, बेड़िया लगा दी थी कि इनको एंट्री ना दी जाए। यहां से एक एक ग्रुप सामने बढ़ रहा है और उन पर लाठियां चार्ज की जा रही है। इस कांड में एक पत्रकार का भी जिक्र होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, वह पत्रकार था वेब मिलर का नाम याद रखिएगा। वेब मिलर की आंखों देखी घटना थी धर्षणा कांड। वेब मिलर अपने अखबार में लिखते हैं कि मैं देख रहा था कि सत्याग्रहियों का एक ग्रुप जो है वो सामने जा रहा था और अंग्रेजों का लाठी चार्ज हो रहा था, उसके बाद वह ग्रुप हटता था और फिर से अगला ग्रुप जा रहा था और अंग्रेजों का लाठी चार्ज हो रहा था, वो ग्रुप हट रहा था, फिर से अगला ग्रुप जा रहा था और अंग्रेजों का लाठी चार्ज हो रहा था। तो यह जो है सबसे भयावह घटना थी, ऐसा लिखते हैं ना वेब मिलर अपने अखबार। मतलब चाहते तो ये सत्याग्रही जो है रिएक्ट कर सकते थे, अपना भी रिएक्शन दे सकते थे, हिंसा का भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन असहयोग आंदोलन से जो सीखा ना इन्होंने तनिक भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया और लाठियां बरसाई चाहे इनकी जान भी जोखिम में क्यों ना पड़ जाए। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण कांड जो है सामने आता है, जिसको आप धर्षणा कांड के नाम से जानते हो। यहां पर सरोजिनी नायडू एक महिला नेतृत्वकर्ता थी
और इन्होंने स्त्रियों को ही प्रमोट किया था, कहा था स्त्रियों से कि आप केवल स्त्रियां हैं, इसीलिए आपको आंदोलन में पीछे रहने की जरूरत नहीं है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको आगे बढ़ना होगा। स्त्रियों को सामने लेकर आई थी। यह भी कहा जाता है कि स्त्रियों ने पुरुषों के भेष में इस आंदोलन में भाग लिया था। तो ऐसा जो कांड है, फेमस कांड है, जिसको आप धर्षणा कांड के नाम से जानते हो, सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, 1930 की घटना है, और आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू के साथ अन्य व्यक्तियों का नाम भी मैंने आपको बताया। तो यहां से नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन नामों को आप याद रख लीजिएगा, और यह घटना 1930 की घटना है, और पत्रकार मैंने बता दिया है वेब मिलर। चलिए अब यह डिस्कस करने के बाद अब आगे डिस्कस करते हैं हम 1940 का कांड, जो आपका नथिंग बट वैयक्तिक सत्याग्रह की बात करते हैं। देखिए वैयक्तिक सत्याग्रह 1940, लेकिन इसके पहले की घटना है अगस्त प्रस्ताव। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने भी आ सकता है। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए गांधी जी ने अक्टूबर का महीना था, देखो कुछ पॉइंट याद रखना, अक्टूबर का महीना था, 1940 की घटना थी, कुछ चुने हुए लोगों के साथ ही, कुछ चुने हुए ही लीडर्स होंगे यहाँ पर, और एक सीमित पैमाना होगा, गांधी जी ने एक सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। उस सत्याग्रह को आप व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो पहले तो देख लें कि यह जो सत्याग्रह है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो मैं बता दूं कि वर्धा के आसपास में ही एक आश्रम है, महाराष्ट्र का ही आश्रम है, जिसको आप पवनार आश्रम के नाम से जानते हो। आश्रम का नाम याद रखना, पवनार आश्रम इसका नाम है। और यह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, यह भी पूछा जा सकता है। तो 17 अक्टूबर 1940 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, एकदम सीमित पैमाने पर इस आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे गांधी जी ने, इसलिए प्रथम सत्याग्रही के तौर पे। तो इसमें सत्याग्रही पूछा जाएगा तो वो भी आपको बताना है। प्रथम सत्याग्रही है विनोबा भावे। फिर अगर पूछा दूसरे सत्याग्रही है, तो इसमें याद रखना जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही, तीसरे सत्याग्रही जो है वो है पटेल जी। तो इस तरीके से यह जो वैयक्तिक सत्याग्रह है, ये प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जो है वैयक्तिक सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहे जाते हैं। तो इनमें याद रखिएगा, ये जो है 17 अक्टूबर 1940 कौन सा आश्रम, पवनार आश्रम, आपको याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव के बाद की यह घटना थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद अब हम डिस्कस करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, पहले ही बता दिया हूं, 1942 की घटना है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करोगे तो कुछ डेट्स जो है वो दिमाग में पहले तो याद रख लेना। पहला जो डेट है वो 14 जुलाई 1942 का डेट, दूसरा जो डेट है वो है 8 अगस्त 1942 का डेट, और तीसरा डेट याद रखना 9 अगस्त 1942। ये तीन डेट्स को आपको पहले तो पकड़ना। इधर 14 अगस्त 1942 में आपको याद रखना होगा वर्धा, इधर 8 अगस्त 1942 में आपको याद रखना होगा बंबई, और इधर 9 अगस्त 1942 में आपको याद रखना होगा ऑपरेशन जीरो अवर। ये बंबई की जगह का नाम आपको बता दूं, ये बंबई की जगह का नाम है ग्वालियर टैंक। ये जो प्रश्न है तो डायरेक्ट आने वाले फैक्ट्स है जो मैंने आपको बता दिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में प्रस्तुत किया गया, 7 अगस्त 1942 को बंबई में, जगह का नाम था ग्वालियर टैंक, यहां पर इस आंदोलन की पुष्टि की गई। और इस आंदोलन के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं तो वो भी याद रखिएगा, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इस आंदोलन के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस आंदोलन के अध्यक्ष रहे थे, और तब जाके 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। यह भी बता दूं कि पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इस प्रस्ताव को बनाने वाले का नाम आएगा तो महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को बनाया था, पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, थोड़ा बहुत संशोधन हुआ और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। यानी कि साफ बात है 9 अगस्त 1942 से इस आंदोलन की शुरुआत हो गई, और जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया और बड़े बड़े लीडरों को जेल में बंद कर दिया। टॉप लीडर जो है वो जेल में बंद होते जा रहे थे, यही जो आपका कार्यक्रम है यह ऑपरेशन जीरो ओवर कहलाता। अब ब्रिटिश सरकार जो है दमन तो करेगी, ब्रिटिश सरकार दमन करेगी, इसीलिए भूमिगत गतिविधियों का संचालन किया जा रहा, और भूमिगत गतिविधियों में एक गतिविधि थी रेडियो प्रसारण की गतिविधि। तो रेडियो प्रसारण का भी आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा दो जगह स्टेशन थे, एक स्टेशन जो है वो बंबई में था और दूसरा स्टेशन जो है नासिक में था। तो इन भूमिगत गतिविधियों में कुछ लोगों के नाम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह मैं आपको बता दूं। तो उसमें से कुछ का जो नाम है, पहला तो नाम याद रखना वो है अरुणा असफ गली, दूसरा जो नाम रहेगा वो है राम मनोहर लोहिया का नाम, राम मनोहर लोहिया, और साथ में नाम याद रखना आप उषा मेहता, ये सब भूमिगत गतिविधियों का संचालन कर रहे थे, और साथ में ये भी याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। तो देखिए इस तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो अरुणा असफ अली का जो नाम है यह और किसी से नहीं, यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भूमिगत गतिविधियों में कार्यभार ये संभाल रही थी अरुणा असफ अली, एक थी जो कार्यभार को संभाल रही थी।
इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करने के बाद अब चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये कथनों पर आधारित प्रश्न है, और जैसे ही हमको कथन देखते हैं तो हम हमेशा यह देखते हैं कि हमको सही छाटने हैं या गलत छाटने हैं। अब ये जो है, पहला गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडली की मांग की थी। पहले तो पहला जो है पहला गोलमेज सम्मेलन बोला, और फिर जो है बात कर रहा है तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलनों के प्रश्न जो जैसे पूछे जाते हैं, पहले तो उस पर चर्चा करें। देखो, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें पहला हुआ था 1930 में, जो दूसरा है वो हुआ था 1931 में, और याद रखना तीसरा जो है वह हुआ था 1932 में। पहले तो हमको ये पता होना जरूरी। उसके बाद अगला देखो, 1930 में भी मैं आपको डेट बता रहा हूं। पहला जो है उसमें आपको याद रखना है 12 नवंबर, तीसरा जो है उसमें आपको याद रखना है 17 नवंबर, और जो सेकेंड वाला है बस इसमें आपको याद रखना है 7 सितंबर। तो इस तरीके से आप तीनों के डेट्स याद रख सकते हो, 12 को पहला, 12 नवंबर को पहला, 17 नवंबर को तीसरा, और 7 सितंबर को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहले तो इन चीजों को देखने के बाद अब दूसरा प्रश्न जो बनता है एग्जाम में, वो बनता है कि कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था और किसमें भाग नहीं लिया था। तो पहला वाला जो अधिवेशन है, इसमें कांग्रेस की भूमिका मैं आपको पहले बता दूं। तो देखो, क्योंकि गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे इरविन के सामने प्रस्तुत की थी, और उन मांगों को इरविन ने नहीं माना था, इसीलिए कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही पहला गोलमेज सम्मेलन किया जाना था, इसीलिए पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, याद रखना कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सो मतलब यह है कि कांग्रेस ने एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। अब और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो देख लीजिए कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है कहाँ हुआ था। तो इसका जो प्लेस है वो तो लंदन तो था ही, सेंट जॉर्ज पैलेस में पहला जो है वो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि अध्यक्ष के तौर पे कौन थे, और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि उस समय के वायसराय कौन थे। तो मैं बता दूं कि उद्घाटन करने वाले थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। दूसरा, अगर अध्यक्ष पूछेगा तो आपको यह भी पता होना चाहिए, अध्यक्ष जो है वो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि रैमजे मैकडोनल्ड का नाम आता है। रैमजे मैकडोनल्ड जो है वो उस समय इसके अध्यक्ष हुए। और उस समय भारत के जो वायसराय थे उसका नाम भी याद रखिएगा, उस समय भारत के वायसराय जो है वो इरविन थे। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था। और यह भी आपको बता दूं कि यह पहला ऐसा ओकेशन था जब अंग्रेजों ने भारत को बराबरी का दर्जा दिया था, आमने सामने बैठ के इन लोगों ने बातें की थी। यह कथन जो है, जब समझ लीजिए अंग्रेजों ने भारतीयों को बराबरी का दर्जा किस सम्मेलन के दौरान दिया, ऐसा प्रश्न अगर आएगा तो वह भी पहला गोलमेज सम्मेलन है, और उस समय वायसराय कौन था, इसीलिए पूछा जाता है कि उस समय का वायसराय इरविन था। अब बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तो यह दिया हुआ है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, चलो इस पे डिस्कस करते हैं। जो तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, डेट तो मैं आपको बता चुका हूं, 17 नवंबर 1932 की डेट थी। यह जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1935 वाले एक्ट पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया था, 35 के एक्ट पर। लेकिन यह सम्मेलन पूरी तरीके से असफल हुआ, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, याद रखना कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 को मंजूरी मिल चुकी थी। तो याद रखना, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए, इसमें एकमात्र भारतीय जिसने लगातार कंटिन्यूअसली तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग दिया वो थे भीमराव अंबेडकर साहब, क्योंकि उनकी डिमांड भी काफी बड़ी थी कि वो अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। तो गोलमेज सम्मेलनों की अगर बात करें तो पहला कथन पहले से बिल्कुल सही है, और तीसरा कथन भी हमको सही प्रतीत होता है, और फैक्ट सारे मैंने आपके सामने रख दिए। अब डिस्कस करते हैं पूना समझौता के बारे में। तो अगर पूना समझौता की बात करें तो ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि आपको तीन डेट्स इसके अंतर्गत याद रखनी है। पहला तो 16 अगस्त 1932 की डेट है, दूसरा आपको याद रखना है 20 सितंबर 1932, और तीसरा आपको याद रखना है 25-26 सितंबर 1932।
यह 16 अगस्त 1932 वह दिन था जिस दिन रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। वह कौन सा दिन था? तो 16 अगस्त 1932 का दिन था, जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के साथ अब हरिजन पर भी लागू किया जाएगा, ऐसा कहा था किसने? रैमजे मैकडॉनल्ड की यह घोषणा थी। उसके बाद इसी के विरोध में 20 सितंबर 1920 गांधी जी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे, आमरण अनशन पर गांधी जी बैठ चुके थे यरवदा जेल में, और तब जाके 25-26 सितंबर 1920 को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ था, जिसको आप पूना समझौता के नाम से जानते हो। सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनके प्रयासों से यह समझौता हुआ था, याद रखना, इसी को आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हो। तो ये सब बातें हो गई पूना पैक्ट के बारे में। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या किया था। सबसे पहले तो दलित के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल है उसको समाप्त किया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल जो है समाप्ति पे स्वीकृति हो गई थी भीमराव अंबेडकर की जी, यही आपका पूना पैक्ट कहलाता है। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल में भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई। प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से 148 कर गई थी। वहीं केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटों को बढ़ा दिया गया था। यह डील जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुई थी, इसी को आप पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हो। तो इसी के साथ यह जो कथन है यह गलत हो जाता है। तो दो सही कथन है, एक है पहला और तीसरा, इसीलिए आपका उत्तर है सी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला जो प्रश्न है यह है 1931 के कराची अधिवेशन से संबंधित है। इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व था? पहला तो बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौते को समर्थन दिया गया था, मतलब इस 1931 के अधिवेशन में। दूसरा बोल रहा है कि इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर कराची रेजोल्यूशन या कराची संकल्प जो है वो पारित किया गया था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलो कराची अधिवेशन पे आपको लेकर चलो। इससे पहले हमको भारत के दो महान क्रांतिकारियों को फांसी भी देनी होगी, जिसमें ध्यान रखना दो डेट्स आपको याद रखना है। पहला जो है वो है 23 मार्च 1931 की डेट, और इसी के बाद दूसरी डेट याद रखना है, यह डेट होगी 29 मार्च 1931 की डेट। यह दोनों डेट आपको याद रखनी होगी, क्योंकि 23 मार्च 1931 जो है वो भगत सिंह और राजगुरु इन दोनों को फांसी दी जाने वाली डेट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। और इसी के अगेंस्ट में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जो अधिवेशन कराची में हुआ था, और इसी अधिवेशन से संबंधित यह प्रश्न आपको दिख रहा। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले तो वो देख लो, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे पटेल साहब। तो यह जो अधिवेशन था इसमें दो बातें सामने आ रही थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहली बात तो यह सामने आ रही थी, अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो अंग्रेजों ने भारतीयों को समानता के साथ यहां पर बात की थी, या समानता के साथ गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो एक तरीके का अंग्रेजों ने यहां पर भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर बातचीत की थी, यह जो है यह एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है। लेकिन बहुत बड़ा तो नेगेटिव पॉइंट था, बहुत लोग इस पैक्ट से गांधी, मतलब यही वाला जो पैक्ट है ना, यही गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट है जो 1931 में हुआ था, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है इसीलिए लोग खुश थे क्योंकि समानता के स्तर पर बातचीत थी। अब नेगेटिव पॉइंट ये है कि भगत सिंह को, राजगुरु को फांसी दिए जाने से लोगों में आक्रोश था, और लोग इसीलिए इससे नाखुश भी थे कि एक तरफ पैक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ फांसी दी जा रही है। और कहीं कहीं पर तो जब कराची में एंट्री ली थी गांधी जी ने तो उनको काले झंडे भी दिखा दिए, ठीक है। ये तो इस अधिवेशन की बात। अब इस अधिवेशन में बात क्या की गई? पहली बार इस अधिवेशन में यह बात की गई कि यह जो गांधी इरविन समझौता है इसको मंजूरी दे दी गई थी, यानी कि यह गांधी इरविन समझौता जो है इसको समर्थन किया गया था, इसीलिए यह जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिखाई दे रहा। दूसरी बात, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भी परिभाषित किया गया था, यह आपको बता दू। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की डिमांड की थी। तो प्रश्न एग्जाम में यह भी आ सकता है कि पहली बार किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की डिमांड की थी? तो वह अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन, और साथ में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर कराची संकल्प भी इस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो याद रखना है यह दोनों ही कथन कराची अधिवेशन से संबंधित है, और दोनों ही जो कथन है वो बिल्कुल सही कथन है। तो आपका जो उत्तर हो जाता है वह हो जाता है एक और दो दोनों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है इसमें कांग्रेस अध्यक्ष और साथ में यहां पर उनके कौन कौन से अधिवेशन हुए उनको आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि चार जगह है, हम वन बाई वन लेते हैं कि हरिपुरा में अधिवेशन कब हुआ था। अध्यक्ष पर बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं कि जगह के हिसाब से अधिवेशन कब हुआ था। तो हरिपुरा में जो अधिवेशन है ये 1938 में हुआ,
और इसके जो अध्यक्ष है वो थे सुभाष चंद्र बोस। और 1938 के बाद मतलब पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने 1938 में, और उसके बाद फिर 1939 में दूसरी बार अधिवेशन बने, अध्यक्ष बने। और यह जो अधिवेशन है ये त्रिपुरी में हुआ था, ये काफी प्रसिद्ध था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सुन लो कि सुभाष चंद्र बोस भी इस अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, बाद में यहीं पर इन्होंने त्याग पत्र भी दिया था। तो 38 में हरिपुरा और 29 में कहां हुआ है, त्रिपुरी में हुआ है। कानपुर वाला जो अधिवेशन है यह हुआ है 1925 में, कानपुर वाला अधिवेशन हुआ है, और इस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, भारत की बुलबुल के तौर पे इनको जाना जाता है, और यह प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर प्रथम महिला की बात करेंगे तो वहां पर एनी बेसेंट का नाम आता है, 1917 का में जगह हो जाएगी और आपका कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो 1925 और अधिवेशन जो है वो कानपुर का है। मद्रास का जो अधिवेशन है, देखो यह अधिवेशन 1927 वाला अधिवेशन की बात हो रही है, और यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो है अंसारी साहब। 1927 मद्रास अधिवेशन, मुख्तार अंसारी साहब जो है वह इसके अध्यक्ष बनेंगे। और उसके बाद नासिक वाला अधिवेशन, यह अधिवेशन 1950 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन साहब। तो ये चारों अधिवेशन के ईयर और उनके लोकेशन मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, तो अब जमाते हैं। तो अंसारी साहब जो है मद्रास में, पुरुषोत्तम दास टंडन साहब जो है वो नासिक में, सरोजिनी नायडू जो है वो कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो हरिपुरा वाले में अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से उत्तर हो जाता है सी, दैट इज 3421, सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है ये कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से ही संबंधित है। अभी मैंने कुछ बातें आपको बताई, और सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जो है वो किस प्रश्न पर केंद्रित था, ये आपको बताना है कि आखिर किस बात पर झगड़ा चल रहा था। चलो देखते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, और कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता, रीजन क्या था झगड़े का। अभी मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस का मतलब 1938 और 1939, 1938 का मतलब हरिपुरा अधिवेशन, 1939 का मतलब त्रिपुरी अधिवेशन। 1938 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने, और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट यानी कि पट्टाभी सीतारमैया को हराकर वो अध्यक्ष बने थे। यह जो कैंडिडेट थे ये गांधी जी के कैंडिडेट थे, याद रखना, नाम लिख रहा हूं, पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस का इतिहास इन्होंने लिखा है, तो कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है तो आपको याद रखना है पट्टाभी सीतारमैया। अब जब बात आई कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वह अपनी कार्य समिति में सदस्यों की नियुक्ति करेगा, और इन सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए उसको गांधी जी से सलाह लेनी पड़ेगी। तो जब गांधी जी के पास गए सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी जी ने इसके लिए सलाह देने से इनकार कर दिया। इसी बात पर जो है मतभेद हुआ, और फाइनली सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में अपना त्याग पत्र दिया था। याद रखना, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अपना त्याग पत्र दिया था, और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। याद रखना, कब किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था, उसके पहले जो है स्वतंत्रता संग्राम इनको करना था, और जन जागृति को तीव्र करने के लिए उन्होंने एक ब्लॉक का गठन किया था जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सारी बातें हमने देखी, पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हराया सुभाष चंद्र बोस ने, और फाइनली जो अध्यक्ष बने ना, ये 1939 के जो अध्यक्ष बने अगर पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये तो हो गई त्रिपुरी अधिवेशन की पूरी कहानी, याद रखिएगा। तो अब तो क्लियर हो गया कि भाई आखिरकार किसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को लेकर दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। देखो अगला जो प्रश्न है यह है, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने की बारी आ गई है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। देखो पांच घटनाएं मैंने यहां पर ली है बैक टू बैक, अब देखते हैं। सबसे पहले जिस घटना को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा को इसीलिए पहले डिस्कस करेंगे, यह घटना की जो डेट है यह है 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को अगस्त घोषणा की गई थी। उस समय भारत के वायसराय लिलित गो थे, इसीलिए इस घोषणा को लिलित गो प्रस्ताव भी कहा जाता है। याद रखना, इसी को लिलित गो प्रस्ताव भी कहा जाता है, जो कि 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। इस घोषणा में हुआ यह था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था इसमें ब्रिटेन की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए ब्रिटेन जो है एक समझौतावादी नीति लाना चाहता था। और इसीलिए जब कांग्रेस का बिहार का अधिवेशन हो रहा था 1940 में,
कांग्रेस का 1940 का अधिवेशन हो रहा था बिहार के रामगढ़ में। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग रखी कि यदि जो सरकार है वो केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन कर देगी तो उस केस में भारत जो है वो ब्रिटिश के युद्ध के दौरान कुछ सहयोग करने को तैयार हो सकता। इसीलिए वायसराय ललित गो ने युद्ध में भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसको आप अगस्त घोषणा के नाम से जानते हो या जिसको आप ललित गो प्रस्ताव के नाम से जानते हो। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th of August 1940। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे। देखो क्या क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे, तो प्रस्ताव भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वह भी मैं आपको बता दूं। पहला तो औपनिवेशिक स्वराज्य की बात यहां पर रखी गई थी, याद रखना औपनिवेशिक स्वराज्य। औपनिवेशिक स्वराज्य के बाद दूसरा यहां पर संविधान सभा के गठन की बात रखी गई थी, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है भारतीय अपनी संविधान सभा का गठन कर सकते हैं, और साथ यहां पर युद्ध के लिए एक परामर्श समिति के गठन की बात की गई थी। युद्ध के लिए एक परामर्श समिति के गठन की बात भी अगस्त प्रस्ताव में रखी गई थी। चार चीजें याद रख लेना, और चौथा आप याद रखना कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में, सदस्य संख्या में वृद्धि की जाएगी, तो यहां पर जो है ज्यादा सदस्य भारतीय होंगे ऐसा प्रपोजल दिया गया था। ये अगस्त घोषणा थी। हुआ क्या था, कांग्रेस ने इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया था। डेट याद रखना 8 अगस्त 1940। इसके बाद अगला हमको डिस्कस करना है भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके बारे में मैंने बताया था आपको। तीन डेट याद रखना, 14 जुलाई 1942, फिर याद रखना 8 अगस्त 1942, और फिर याद रखना 9 अगस्त 1942। मतलब यह जो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, इस आंदोलन की शुरुआत हुई। जाहिर सी बात है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देखते जा रहे हैं, और इसकी डिटेल भी हम थोड़ी देर पहले भारत छोड़ो आंदोलन को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो हमको देखना है वो है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में से पहले आपको देखना होगा वेवेल योजना, क्योंकि वेवेल योजना के आधार पर ही शिमला सम्मेलन बनाया गया था। वेवेल योजना का मतलब है 14 जून 1945 को वेवेल योजना याद रखना, और 25 जून 1945 को याद रखना है शिमला सम्मेलन। तो ये 14 और 25 को एक साथ आप याद रखिएगा। डेट को बताने के बाद अब देखो शिमला सम्मेलन में ब्रिटेन की अगर बात करूं तो 1945 का समय चल रहा था जब एटली की सरकार बनी, और एटली की सरकार बनी इसी समय वायसराय जो है वो ललित गो से हट गए थे, और अब उनकी बदले जो वायसराय आए थे वो आ चुके थे वेवेल। तो देखो यहां से एक बात और क्लियर हो जाती है कि अगस्त घोषणा और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों के टाइम में जो वायसराय थे वो ललित गो थे, और फिर 1945 में ललित गो गए और जो वायसराय बने वो थे आपके वेवेल। वेवेल जैसे ही वायसराय बनकर आए तो यहां देखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है काफी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था। तो 6 मई 1944 को, देखना डेट बता रहा हूं, 6 मई 1944 को महात्मा गांधी जी को भी रिहा कर दिया गया स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और जैसे ही वेवेल आए उन्होंने भारत में जो गतिरोध फैला हुआ था उस गतिरोध को कम करने की कोशिश की, और सबसे पहले कांग्रेस के लीडरों को रिहा करने का काम किया, और रिहा करने के बाद उन्होंने 14 जून 1945 को एक वेवेल योजना बनाई। यह वेवेल योजना जो है भारत में जो भी तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी उसको कम करने के लिए उन्होंने योजना बनाई थी, और जाहिर सी बात है इस योजना में उन्होंने कुछ खास बातें करी थी। पहली बातें तो ये थी कि जो भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, और मुस्लिमों और भारतीयों की संख्या भी बराबर रखी जाएगी। तो इन सब चर्चा करने के लिए, मतलब वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन जो है शिमला में बुलाया जाएगा। यही जो सम्मेलन था वो आपका शिमला सम्मेलन बनकर आया था, जिसको 25 जून 1945 आपको याद रखना। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से आएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की तरफ से आएंगे जिन्ना। यह सम्मेलन भी असफल सम्मेलन होता है, क्योंकि यहां मुस्लिम लीग का यह कहना था कि मुस्लिमों को जो प्रतिनिधित्व है वो मुस्लिम लीग की तरफ से ही मिलना चाहिए, मतलब मुस्लिम जो है वो अलग से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कोई भी मुस्लिम मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है, ऐसा कोई भी मुस्लिम जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ऐसा मुस्लिम लीग का कहना था। तो इन बातों पर यह अधिवेशन जो, मतलब यह जो सम्मेलन है शिमला सम्मेलन है वह भी असफल हुआ था। लेकिन यहां पर डेट याद रखना 25 जून 1945 है, कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रिप्रेजेंट किया। तो इसके बाद अगला हमको देखना है नौसेना विद्रोह। चलिए चर्चा करते हैं नौसेना विद्रोह की, जबकि मैं आपको बता दूं अगस्त घोषणा आपने डेट लिख रखी होगी 8 अगस्त 1940 को अगस्त घोषणा है,
और शिमला सम्मेलन जो है, ये याद रखना, शिमला सम्मेलन जो है वो 25 जून 1945 को हुआ था शिमला सम्मेलन। और इधर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए डेट याद रखना है 8 अगस्त 1945 को, 42 को पास हुआ था, और 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं नौसेना विद्रोह की। देखो नौसेना जो विद्रोह है, सबसे पहले तो बता दूं कि इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 18 फरवरी 1946 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई। स्थान कौन सा था, तो स्थान भी याद रखिए, एक तो मुंबई और दूसरा याद रखना सूरत, ये दो स्थान हुए। कौन सा जहाज था, नौसैनिक है तो जहाज भी होगा, जहाज का नाम था INS तलवार। फिर पूछता है कि किसके नेतृत्व में, तो आपको याद रखना है MS खान के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। इन बातों को याद रखना। जो नौसैनिक थे वो पौष्टिक भोजन ना मिलने को लेकर, रंग भेद की नीति को लेकर, वेतन को लेकर एक विद्रोह कर दिया था, हड़ताल पर बैठ गए थे। इसी विद्रोह को आप नौसेना विद्रोह के नाम से जानते हो, इतना याद रख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जब लगा कि ब्रिटिश सरकार जो है इसका दमन कर सकती है, तो दो लोग समझाने के लिए आए, मतलब समझौते के लिए आए। उन दो लोगों के नाम मैं आपको बता दूं, पहले तो होंगे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरी पर्सनैलिटी का नाम याद रखिएगा, ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने यहां पर मध्यस्थता की और इस विद्रोह को बंद करवाया, इस हड़ताल को बंद करवाया। यही आपका नौसेना विद्रोह है। तो बताओ डेट कौन सी आएगी, तो नौसेना विद्रोह जो है आपका 18 फेब 1946 में नौसेना विद्रोह आएगा। चलिए तो अगला डिस्कस करना है माउंटबेटन प्लान। अगर माउंटबेटन प्लान डिस्कस करना है तो सबसे पहले याद रखना होगा 20 फरवरी 1947 को, उसके बाद हमको याद रखना होगा 22 मार्च 1947, उसके बाद जो डेट है वो है 3 जून 1947, और उसके बाद जो डेट है वो है 15 अगस्त 1947। चलिए इन चार डेट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 के पहले तक जो सत्ता है वो भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस घोषणा को एटली घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसकी भी डेट याद रखना, यह भी पूछ सकता है, यह है 20 फरवरी 1947। और इसीलिए उन्होंने माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना के भेजा था। तो 22 मार्च 1947 का दिन, जिस दिन माउंटबेटन जो है वायसराय बन के आए थे और ये भारत के 34वें गवर्नर जनरल बन के आए थे, याद रखना 22 मार्च 1947। जब 22 मार्च 1947 को आए, 2 महीनों के गंभीर विचार विमर्श के बाद इन्होंने यह डिसीजन लिया कि भारत का विभाजन ही एकमात्र इस समस्या का हल है। 2 महीना मतलब आपका मार्च हो गया, अप्रैल मई जून सोचे, और तब जाके 3 जून 1947 को यह घोषणा की कि भारत का विभाजन होगा। और इसीलिए इस प्लान को आप याद रखना, भारत के विभाजन करने का जो प्लान उन्होंने बनाया उसको माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो माउंटबेटन प्लान की डेट क्या निकल कर आती है, तो ध्यान रखना यह डेट निकल कर आती है 3 जून 1947। इस तरह के प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 का दिन निश्चित किया भारत को स्वतंत्रता देने के लिए, और इस तरीके से 15 अगस्त 1947। तो इस तरीके से सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाओगे तो आपका आंसर निकलेगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। ठीक है, सही बताना है, गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और यहां पर नेहरू, गांधी और सुभाष नाम से 3 रेजिमेंट थी, यह सही था कि नहीं यह हमको बताना है। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो याद रखो इसका गठन जो है 1942 में इसका गठन हुआ था, और गठन करने वाले कौन थे, तो वो गठन करने वाले कैप्टन मोहन सिंह थे जिन्होंने इसका गठन किया था। रंगून म्यांमार में, तो हेडक्वार्टर भी इनका जो है वो हो जाता है रंगून, यानी कि म्यांमार में इनका हेडक्वार्टर हो जाता है। मलाया सिंगापुर में उन्होंने इसका गठन किया था, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है मलाया सिंगापुर में किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, ये एक गलत कथन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस पिक्चर में आए थे 1943 में, जब 1943 में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ था, और उस समय रास बिहारी बोस जो है वो संस्थापक थे, रास बिहारी बोस संस्थापक थे, और उन्होंने यहाँ का सेनापति, सर्वोच्च सेनापति जो है वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया था 1943 में, और यही नारा भी होता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस यहां से पिक्चर में है। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की एक और घटना याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद
आजाद हिंद सरकार का गठन किया था और आजाद हिंद सरकार को जर्मनी और जापान का भी समर्थन प्राप्त हो गया था और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो रंगून म्यांमार ही था। और भी सवाल जो आजाद हिंद फौज से पूछे जा सकते हैं, याद रखना 5 से लेके 11 नवंबर 1945 तक जो है आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चला था 1942 में, और 12 नवंबर 1945 में लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए बंदियों को रिहाई दे दिया था। इसीलिए 12 नवंबर 1945 जो है आजाद हिंद फौज के दिवस के रूप में आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब हमने INA के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद नेहरू, गांधी और सुभाष तीन नाम से रेजिमेंट थी, यह कथन बिल्कुल सत्य है। साथ में रानी झांसी रेजिमेंट भी थी, यहां पर एक और रेजिमेंट को ऐड कर लीजिएगा, रानी झांसी रेजिमेंट भी यहां पर थी। बताना है सही कथन, तो दूसरा कथन जो है वह सही है और पहला कथन जो है वो गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1946 में तीन सदस्यों का एक आयोग जो है वो भारत भेजा गया था और कौन इस आयोग के सदस्य थे? एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग आया था, तो यह 1946 के आयोग की बात कर रहा है, मतलब ये कैबिनेट मिशन की बात की जा रही है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, ये उसके बारे में बात की जा रही है, कैबिनेट मिशन के बारे में। तो जब कैबिनेट मिशन की बात की जाएगी तो आपको देखो याद होना चाहिए, सबसे पहले तो 29 मार्च 1946 के बाद 16 मई 1946 के बाद 29 जून 1946 लगेगा। इसके बाद और याद रखना 16 अगस्त 1946, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 का जो डेट है वो काफी इंपॉर्टेंट डेट होता है। चलिए 29 मार्च 1946 यह वो दिन था जिस दिन कैबिनेट मिशन जो है वह भारत आया था 29 मार्च 1946 को, और किन किन लोग इसमें आयोग के सदस्य थे, तो इसमें जो सदस्य थे उनके नाम बता दूं आपको। तो पहला तो जो सदस्य है वो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स का नाम आता है, दूसरा ए वी अलेक्जेंडर जो है वो भी इसके सदस्य थे, नाम देख लीजिएगा ए वी अलेक्जेंडर है, और अगले जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। तो कुल मिला के ये सदस्य थे जिसमें पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो इन लोगों के साथ यह जो मंडल 29 मार्च 1946 को पहुंचा, इसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसको आप कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के नाम से जानते हो। कैबिनेट मिशन में यह प्रावधान किया गया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और इसी के प्रावधानों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रावधानों के आधार पर हुआ था, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन। तो 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और जाहिर सी बात है इसी रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट देने के बाद 29 जून 1940 को वापस भारत से चला गया था कौन सा मिशन, आपका कैबिनेट मिशन। और इसी रिपोर्ट के आधार पर देखना, याद रखना जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जुलाई 1946 में, और यहां पर ब्रिटिश भारत प्रांत के 296 स्थानों में से 206 स्थानों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। तो इससे मुस्लिम लीग के नेता जो है वो पूरी तरीके से बौखला गए। एक तो वैसे ही कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को कबूल नहीं किया था, दूसरा न चाहते हुए भी कैबिनेट मिशन के प्रावधानों को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया था, और उसके बाद 296 में से 206 स्थान जो है वो कांग्रेस ने जीत लिए थे, इस कारण मुस्लिम लीग के नेता जो है वो बौखला गए थे। और इसी बौखलाहट में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो यह भी पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों से ही संबंधित है, इसलिए यहीं पर बता दे रहा हूं, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था सीधी कार्यवाही दिवस। क्यों मनाया गया था? एक्चुअली इसका उद्देश्य यह था कि सांप्रदायिक दंगों से आतंक के माहौल को कुछ ऐसा बना दिया जाए कि जिस तरीके से यह दिखे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, यही सीधी कार्यवाही दिवस का उद्देश्य था। आपसे नेता पूछा जा सकता है तो बोलोगे मोहम्मद अली जिन्ना, इसका सेंटर क्या था तो बोलना है आपको ढाका, इसमें मांग क्या थी तो ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, इसमें इन्होंने एक नारा भी दिया था तो नारा भी याद कर लो, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, ये नारा था। और परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम तो आप जानते ही है, सांप्रदायिक दंगे ही इनका परिणाम हुआ था। तो यह आपने देखा कैबिनेट मिशन के बारे में। चलो अब बात करते हैं कौन कौन सदस्य थे। तो एटली तो सदस्य नहीं थे, स्टेफर्ड क्रिप्स सदस्य थे बता चुका हूं, एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे, तो दूसरा और तीसरा ही सदस्य दिखते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है, यहां पर भी आपको घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। घटनाएं क्या दी है? मुक्ति दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा और व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें से व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यह घटना जो है ये 1940 की घटना है और 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो चुका था, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत चुके थे और कुछ प्रांतों में उसने विजय हासिल की थी, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में राजनीतिक गतिरोध हुआ तो कांग्रेस, उसी कांग्रेस मंत्रिमंडल जो चुनाव में जीते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र कब दिया गया था पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा दिया था। और ये जो इस्तीफा दिया था, इसी खुशी में भीमराव अंबेडकर ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने, मतलब पूरे मुस्लिम लीग ने, मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। और उसका जो दिन है वो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। तो अक्टूबर में ये हो गया और दिसंबर में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। और सीधी कार्रवाई दिवस ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जो डेट है ये 16 अगस्त 1946 की इसकी डेट आती है। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस जो है वो मुस्लिम लीग ने मनाया था, और कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर ये सारी चीजें हम पिछले बार देख चुके हैं। अब यहाँ पर समय के अनुसार जमाएं तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि पहला मंत्रिमंडल का इस्तीफा, फिर होगा मुक्ति दिवस, फिर होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1946 में होगा सीधी कार्यवाही दिवस। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है और कौन कौन सी घटनाएं दी गई है इसको हम देखते हैं। पहले तो बात करते हैं अगस्त घोषणा की, इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा 8 अगस्त 1940 की घटना है अगस्त प्रस्ताव, इसको लिलित गो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, और जो चार इसके प्रावधान थे वो भी मैं बता चुका हूँ। कैबिनेट मिशन योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना जो है यह 29 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, 1946 को भारत पहुंचा था, और 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 1940 की घटना हो गई। अगली घटना है क्रिप्स मिशन योजना। देखिए, क्रिप्स मिशन योजना जो ये है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें मित्र राष्ट्रों की स्थिति जो है वो बिगड़ते जा रही थी, इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर प्रेशर था कि यहां पर भी अब भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी होगा। यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, इन्होंने प्रेशर दिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे, इसीलिए चर्चिल ने स्टीफर्ड क्रिप्स के निर्देशन में या फिर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक कमीशन भारत भेजा था, जिसको उन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। और यह उन्होंने कब भेजा था, तो यह उन्होंने मार्च 1942 में भेजा था, ठीक है ना। तो इसका जो डेट निकल कर आएगा वो आएगा मार्च 1942। तो इसके प्रावधान थे, साफ साफ इसमें यह कह दिया था कि अब जो ब्रिटिश स्वशासन का जो नीति होगी, ब्रिटिश नीति अब भारत में ऐसी होगी कि जल्द से जल्द अब भारत में स्वशासन को स्थापित करना है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने तो इसलिए अस्वीकार कर दिया कि इसमें भारत के विभाजन की मांग को ही स्वीकार नहीं किया गया था, तो उनके पाकिस्तान की डिमांड स्वीकार नहीं हो पाई, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसीलिए अस्वीकार कर दिया, महात्मा गांधी ने तो क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा है, बिना तिथि वाला चेक किस मिशन को कहा है यह भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना यह क्रिप्स मिशन के लिए था। तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष तो स्टीफर्ड क्रिप्स थे, और इसके पहले हमने कैबिनेट मिशन को डिस्कस किया था जो 1946 में आया था और उसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। तो मार्च 1942 क्रिप्स मिशन हो गया, और वेवल योजना को भी हम ठीक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। यह जो है 14 जून 1945 को, 14 जून याद रखना, और 25 जून 1945 अगर यही जोड़ दिया जाए तो शिमला सम्मेलन की डेट भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाते हैं और सही उत्तर निकालते हैं, तो इस तरीके से यह इसका सही उत्तर निकलता है। तो यह थे हमारे भारत के इतिहास के भाग 3 के प्रश्न। इन 3 प्रश्नों को हमने आपको सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, कवर हो सकते हैं, वो कवर करवाने की कोशिश करी है। मिलेंगे अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। इसी के साथ जय हिंद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।